मेरा ये कहना हम अकेले हैं, हमको उसी से शादी करना, उसी के साथ रहना। आप 2 साल रिलेशन बना के किसी को झांसा में रख के क्या किए, उससे हमको कोई अब मैटर नहीं करता। हमको यही कहना हमको शादी करना। अच्छा, कहाँ मिली थी आप लोग? शूटिंग पे मिले थे। शूटिंग पे, मतलब आप भी भोजपुरी में काम करती है? हाँ, भोजपुरी में काम करते थे, स्टार्ट किए ही थे। उसके बाद कुछ दिन बाद रोशन जी मिल गए। उसके बाद ये मेरा काम वाम छुड़वाने के पीछे बहुत ज़्यादा झगड़ा भी शूटिंग लाइन में मेरे वजह से उनसे सबसे हुआ है। हम कहीं भी काम करने जाते तो वो झगड़ा करना स्टार्ट कर देते कि तुम कहीं काम नहीं करोगी, उनको तुमसे शादी करना है। तो शादी करना है तो आप ये दिन क्यों दिखा रहे हैं? आज रोड पर आप ला के खड़ा कर दिए, अब हम कहाँ जाएँ? आपका और रोशन रोही का प्यार का शुरुआत कैसे हुआ था, कैसे मिले थे? और हम लोग तो शूटिंग पे ऐसे ही नंबर काम के ही मैटर से, फिर धीरे धीरे हम लोग का बात बढ़ गया। फिर उसके बाद हम लोग साथ में रिलेशन आने से पहले हम उनको ये चीज़ बोले, वो सिंदूर भी किए और सब जगह वो बोले हुए हैं कि हाँ उसे शादी करना। मतलब घर भी अपने बहुत बार ले जा चुके, जब जाते थे तब उनके साथ हम उनके घर गए। सिंदूर कहाँ डाले थे आपसे, शादी कहाँ किए थे? जहाँ पे हम लोग अभी रहते हैं, फ्लैट पे। तो क्या शादी का कुछ प्रूफ है? नहीं, उस टाइम रात का समय था, वो बोले कि हाँ ये वो लनपन जो भी लड़का लोग अपना बोलते वही चीज़। फ्लैट में शादी होता है? शादी तो मंदिर में होता है, कोर्ट में होता है। वो चीज़ मानते हैं भैया कि कोर्ट में होता है, मंदिर में होता है। आप विश्वास दिलाए तब ना हम विश्वास किए। अभी हम आप लोग को जो बोल रहे हैं आप वही ना सुन रहे हैं। चाहे रोशन जी जो बोलेंगे वही सुनिएगा। अंदर का तो बात कोई नहीं जान रहा है, कोई नहीं जान रहा है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, आप लोग के अंदर क्या चल रहा है। जब शादी किया था हम तो विश्वास करके यहाँ पे आए, विश्वास करके यहाँ पे क्यों आए? मतलब आपको सपोर्ट किया आपसे, इतना अच्छे घर पर क्यों नहीं नाम ले रही? आप अच्छी तो है नहीं, और आरोप भी लगा रही है रोशन जी कर रही है सारे इंटरव्यू। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सबकी तरह नहीं ना बुड़बक हैं कि बुड़बक ही पनाही करेंगे। वो ना कर रहे हैं, उनको जब पता है कि हम लोग को साथ में रहना, तो आप ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हैं? भागे क्यों चल रहे हैं? आप बात नहीं कर रहे हैं 20 दिन से, हम दूसरे के पास 20 दिन से रह रहे, रूम पे ही लड़का ताला मरवा दिए। अब बताइए आप यही ना मजबूर। उनके फैमिली वाले कुछ नहीं बोल रहे, बात ही नहीं कर रहे। बस 2 दिन पहले बात भी किए तो अच्छे से मेरे से बात नहीं कर रहे। साथ में कितने दिनों तक आप लोगों ने रहा? 2 साल से रह रहे हैं। और किस किस को पता थी सारी बातें? क्या आपके मम्मी पापा और रोशन रोही के फैमिली को पता था? हाँ, मेरे घर में पता था, तो मेरे घर वाले मतलब जान गए थे ये मैटर। तो रोशन बहुत ज़्यादा ड्रामा करते थे मेरे घर पे भी जाके, मतलब नहीं होता हाँ चिल्ला चिल्ली करना, तुम काहे चली आई फिर घर पे, तुम्हें नहीं साथ रहो की। तो हम घर छोड़ दिए थे, कब के घर छोड़ चुके इनके वजह से। मेरा फैमिली कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, और रोशन की तरफ से सब लोग हैं, मेरे तरफ से कोई नहीं, हम अकेले पड़े हुए। उनके पास पैसा है, पैरवी है, सब चीज़ वो अपना लगा के बचने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप बच सकते हैं, देख लेते हैं। उनका क्या कहना है कि उनका कहना हम नहीं रखेंगे, मेरे पास सारा रिकॉर्डिंग और प्रूफ भी है। तो क्या बोला गया? वो बोली कह रहे लड़का 2 तारीख को आया हुआ था, तुमको पता ही नहीं है। हमको बोले कि लड़का तो 2 तारीख को आया था, हमने लड़का कब आया? हमको तो कोई नोटिस नहीं आया। चाहे हम आते हैं थाना में तो डेट दिया जाता है ना, कितने तारीख को डेट आएंगे। हम जिस दिन आए उसके बाद से देखिए उनके फैमिली के साथ पूरा फोटो है जो अभी दिए हुए। जी दिखाइए फोटो, दिखाइए। उनके मम्मी, उनकी बहन है और उनके भाई है, रोशन जी भी है इसमें। अगला तारीख कब मिला है आपको? 25 को अब दिया गया, हमको बार बार तारीख ही दिया जा रहा है। लड़का आता है तो आप हमको कॉल कीजिएगा ना मैम, वहाँ पे नंबर दिया हुआ है। अभी हमको कोई कॉल वॉल नहीं आया है, 29 को भी नहीं आया है, ना 2 को आया है, बस 6 को मेरा जो रोशन रोही पे आपने जब आप तारीख पर नहीं, तारीख दिया गया था, तारीख पर आए थे कौन? रोशन आप? तो हम तारीख को ही तो आए, 6 तारीख। आज वो नहीं आया है, कितने तारीख पर अभी तक आ चुके हैं आप? हम ये मिला के 3 बार आ चुके हैं, तारीख नहीं, फर्स्ट टाइम आया। तो कोई मतलब हमको पता ही नहीं कि कब रोशन को डेट मिल गया, हमको कोई डेट मिला ही नहीं। अच्छा, फिर नोटिस नहीं मिला था? कुछ नहीं हमको। अच्छा, हम बस मैम को ये पेपर जाकर दे दिए थे। हाँ। ये जो पेपर था मैम को, जो लिखा था, ये हम मैम को सिर्फ दे के मैम। अभी आप नोटिस दिखा रहे, थोड़ा नोटिस दिखाई ना, नोटिस नोटिस मांगिए, थोड़ा सा नोटिस मांगिए। तो रोशन पर कैसे भरोसा किए आप? भरोसा किया क्योंकि वो घर ले गया, फैमिली से मिलवाए, हर चीज़ से। इंटरव्यू देना कोई खेल नहीं है कि लड़का लड़की इंटरव्यू दे दें, आप देख सकते हैं खोल के इंटरव्यू में सारी। तो अभी जो रोशन रोही मुकर चुके हैं नोटिस, इसका बड़ा कारण क्या है? उनका कहना है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, उनका दिमाग इधर उधर घुमा हुआ है। नोटिस पर कितना डेट है? 2 ही डेट है ना अभी तक। आपके अलावा भी किसी को चाहते थे क्या? 6/12 है और 21-23 है और फिर 25-1 है, लास्ट डेट 25 को मिला है ना। हाँ। अब क्या चाहती है, उस पर केस करना चाहती है? हम केस करना चाहते हैं क्योंकि वो हमको पता है वो हमको पागल बना रहा है सब जगह से। अच्छा, वैसे भी हमको हर टॉर्च पे वो टॉर्चर करता था ना, मेरे पास ये है तो ये से तुम सब चीज खरीद सकते हो, खरीद लो, हम भी खड़ा है, तुम भी खड़ा रहना। कल होकर के केस हो जाएगा तो माइनस तो नहीं ना कर लीजिएगा? नहीं, कोर्ट मैरिज करो, शादी करो हमसे।
कोर्ट मैरिज हम साथ रहना चाहते हैं। हाँ रहना चाहते हैं क्योंकि मेरा फैमिली काम सब चीज छूट चुका है, चारों तरफ से बर्बाद। क्या लगता है जिस प्रकार से आए दिन भोजपुरी में कलाकार जो है लड़कियों का यूज करके छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से आपके साथ भी किया जा रहा है? तो ये लोग हल्के में बना दिए ना कुछ लोग मिलके, कि अरे मॉडल है क्या कर लेगी। अरे मॉडल है तो क्या तुम समझ रहे हो, दो साल तुम रख रहे हो किसी को, तुम्हारे ही घर वाले के साथ ऐसा हो तो तुमको कैसा लगेगा? खुद अपने पे एक बार लेके सब सोच ले एक बार, तो ये करना ही बंद कर देंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में। पुलिस प्रशासन से कोई मांग है आपकी? यही मांग है कि हमको शादी करना है, और आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, आप लोग करना बंद कीजिए। मतलब अभी भी भोजपुरी उस कलाकार को सपोर्ट किया जा रहा है? सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कानून पे भरोसा है? थोड़ा भरोसा भी नहीं लग रहा है, सब लोग भरोसा कर रहे हैं। अच्छा उनका रोशन पे कैसे भरोसा, पत्रकार कैसे भरोसा कर रहे हैं, आप ये बताइए था। क्या जो अभी आप जो बोले कि सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसको? हाँ बहुत लोग, सारे लोग उन्हीं के तरफ से, जिनको भी हम कॉल कर रहे हैं रो कर कि रोशन को बोलिए आने के लिए, हम जो भी मैटर हम खत्म करने के लिए तैयार हैं, वो कोर्ट मैरिज कर ले मेरे से। तो वो बोल रहे हैं, वो कह रहा है कि मर जाएंगे लेकिन हम शादी नहीं करेंगे लड़की से। उनका कहना है शादी नहीं करेंगे, मर जाएंगे, जेल जाने के लिए मंजूर करते हैं लेकिन लड़की के साथ रहना मंजूर नहीं करते। और आपका क्या कहना है? मेरा कहना मुनी के साथ रहेंगे। कहीं ना कहीं आप भी तो गलती की है ना, बिना शादी किए हुए शादी कर घर में शादी कर लिए, फ्लैट में शादी कर लिए, और आज शादी वही काम आप ठीक है, मेरी गलती है, उनकी गलती नहीं है। आप पूरे फैमिली से हमको मिलवाया, विश्वास दिलाया, वही विश्वास होता है ना। आज वो फैमिली कहाँ है जिससे मिलवाएं उससे? उनके फैमिली अच्छे से बात कर रहे हैं, बट लड़के के मना करने के बाद से उनकी फैमिली नहीं बात। आप उस घर में जा करके रहिए, जब आपकी फैमिली जानबे करती है तो फिर उसमें रहने में क्या दिक्कत है उनके यहाँ? तो उनके परिवार के सदस्य जानते हैं, मम्मी पापा सारे लोग जानते हैं, पूरे गांव जानते हैं। दिक्कत क्या है फिर? दिक्कत क्या है? गांव जानते हैं, घर में जा करके रहिए। तो अब वही चीज ना करना पड़ेगा, जब अगला आदमी नहीं मान रहा तो हम इसमें क्या करेंगे?